फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शॉल और स्टॉल के लिए बेहतरीन सी डिज़ाइन लाई हूँ। बहुत प्यारी डिज़ाइन है और बहुत आसानी से बनने वाली डिज़ाइन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डिज़ाइन पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के हिसाब से चैन लेनी है। देखिए, ये डिज़ाइन जो है 6 के हिसाब से बनती है और लास्ट में आपको 2 चैन एक्स्ट्रा लेनी है, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 38 चैन लेके मैंने इसके ऊपर 38 डबल क्रोशे बनाए, 37 डबल क्रोशे और शुरू में 3 चैन। तो ये हम फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम एक चैन बना लेंगे, एक चैन ये हमारा डबल सिंगल क्रोशे काम करेगा। फिर नेक्स्ट में हम एक, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हो गया, ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 1 2 3 4, ये हमने 4 चैन बनाई। फिर देखिए 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पाँचवे में सिंगल क्रोशिया, फिर छठवे में सिंगल क्रोशिया। हो गया, फिर हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चैन लेंगे, 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पाँचवे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर छठवें में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4, 4 चैन, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया, पाँचवें में सिंगल क्रोशिया और फिर छठवें में। तो ऐसे ही हम लास्ट तक इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये लास्ट में हम आ गए हैं। मैंने 4 चैन बनाई है। अब देखिए 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया, फिर पाँचवें में सिंगल क्रोशिया और फिर ये जो हमने शुरू में चैन बनाई थी, तो यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन गई। ठीक है, देखिए सेकेंड रो, सेकेंड रो क्या, फर्स्ट रो, ये बेस रो है और हमारी जो फर्स्ट रो है, मतलब एक ही रो हमें बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 2 3, 3 ही हमारा डबल क्रोशे काम करेगा और 1 2 3 4, 4 चैन हमने बनाई। अब जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया, देखिए इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बीच में एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया इस पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4, 4 चैन। और देखिए जो एक डबल सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बीच में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए जो 3 हमारे सिंगल क्रोशिया थे, उसके जगह एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हो गया। ये देखिए इस तरह की ये गैपिंग हो गई। ठीक, फिर 1 2 3 4, 4 चैन बनाया। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट वाला है, देखिए यहाँ पे इसमें बनाया, इसको छोड़ेंगे, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हम इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक, फिर 1 2 3 4, 4 चैन, फिर देखिए लास्ट वाले में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो लूप है इसके बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको लास्ट तक ये रिपीट करते हुए जाना है। तो इसको हम लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 चैन और देखिए ये छोड़ेंगे, यहाँ पे इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक, अब फिर आपको टर्न होना है, रिपीट। आप देखिए इसकी नेक्स्ट रो टर्न हो गए हम। नेक्स्ट रो एक ही जैसी रो बनानी, जैसी ये हमारी नीचे की रो है वही रो हमें बनानी है। तो पहले यहाँ पे तो हम एक चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो देखिए जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया पे हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 4, 4 चैन बनाया, फिर ये जो डबल क्रोशिया, देखिए ये जो डबल क्रोशिया है, ये वाला डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ठीक है, फिर इसमें डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, फिर ये जो लूप है नेक्स्ट वाला, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये राउंड राउंड जैसा खूब प्यारा सा पैटर्न बन के आएगा। अब देखिए 1 2 3 4, 4 चैन, अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर ये जो लूप है, लूप के बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया। तो यही दो रो आपको रिपीट करनी है। तो इस रो को लास्ट तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए कि हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए। अब इसमें हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि एक डबल क्रोशिया हो गया सिंगल क्रोशिया की जगह। फिर अब यहाँ से रिपीट करेंगे, तो सेम जैसे ये हमने बनाए थे, यहाँ पे हम 3 तो डबल क्रोशिया के लिए बनाएंगे चैन, फिर 4 हम चैन स्पेस के लिए, 1 2 3
फोर, सेवन चैन, सात चैन हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिए ठीक है, सात चैन बनाने के बाद देखिए जो डबल क्रोशिया है इस डबल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया पे हमें डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर हम एक दो तीन चार, चार चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, फिर देखिए ये जो एक दो तीन चार, चार चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, देखिए फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से ये राउंड राउंड सा इसका बहुत ही प्यारा सा इसका जो लुक है बहुत प्यारा आता है। तो मैं थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ आपको। ये बनने के बाद हमारी डिज़ाइन का लुक इस तरह से आता है, देखिए इस तरह होल होल, और ये शॉल वगैरह में बहुत प्यारा लगता है। अगर आप चाहें तो कहीं कहीं इसमें ये बीच में मोती भी टांग सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। डिज़ाइन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।